हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं वरुण किशोर, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अमेजिंग प्रॉपर्टी से आज फिर आपके लिए एक प्लॉट लेकर आया हूं। ये प्लॉट की जानकारी देने से पहले मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, ये देखिए, इस प्लॉट का सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता दे रहा हूँ। ये जो प्लॉट है ये गोला रोड एरिया आप मान के चलिए, और जो गोला रोड में जो लीड्स एशियन स्कूल है, लीड्स एशियन स्कूल, बस ये उसी के गेट से थोड़ा पहले है। एक आप देख रहे हैं इस वीडियो में आपको लीड्स एशियन स्कूल का आपको गेट दिख रहा होगा। इस गेट से ऐसे मैं आपको घुमा कर दिखा दे रहा हूँ। ये एक बाउंड्री है और बाउंड्री के बाद ये प्लॉट है। ठीक है, ये प्लॉट जिस पे कि अभी बैरिकेडिंग किया हुआ है ये ब्लू रंग के क्रिकेट से। ठीक है, देख लीजिए, ये टोटल 12 कट्ठे का प्लॉट है और बहुत ही अच्छा प्लॉट है। फ्रंट भी अगर आप मान के चलेंगे तो 100 फीट के आसपास में फ्रंट है। मैंने नापा नहीं है लेकिन 100 फीट के आसपास में इसका फ्रंट है। ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। देखिए, मैं इसका 360 डिग्री व्यू भी आपको दिखा दे रहा हूँ। रास्ता एकदम ढलाई है, 20 फीट से तो ज़्यादा ही है, 22-25 फीट रास्ता है। बगल में ये पावर हाउस है, देख रहे हैं, पावर हाउस अपार्टमेंट पूरा बना हुआ है। अगल बगल इधर से इसके सामने देखेंगे तब ये प्लॉट खाली है, इस पावर हाउस के बगल में। फिर ऐसे घूम जाएं बाएं की तरफ से तो ये बगल में एक मकान है और फिर ये आपका लीड्स एशियन स्कूल का ये गेट है, देख लीजिए। ठीक है, रोड देख ही रहे हैं, रोड पूरा ढलाई रोड है, बहुत ही अच्छा। अपार्टमेंट अगर कोई बनाना चाहते हैं तो बेशक इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे अपार्टमेंट बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत ही स्क्वायर में ज़मीन है। आप ये पूरा देख रहे हैं क्योंकि आगे से तो इस पर ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं कुछ आपको इधर से व्यू अंदर जाके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए पूरा अभी अंदर में तो खाली ज़मीन है, तो अभी तो पानी वानी बरसात के चलते इसमें लग गया है, लेकिन बहुत ही स्क्वायर में ज़मीन है, देख लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रॉपर लोकेशन पे है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। यहाँ से जो आपको जो दीघा से रूपसपुर की तरफ जो रोड गया हुआ है, दीघा, और वही रोड आगे जाके एम्स की तरफ चला जाता है, अब वो भी बहुत ही नज़दीक है। मतलब यहाँ से जो पावर हाउस है, इस पावर हाउस के बाएं से जो रोड गया हुआ है, बस वहीं से आप बाएं मुड़ जाएंगे तो रूपसपुर फ्लाईओवर के नीचे से अब बाएं मुड़ जाएंगे तो दीघा की तरफ चले जाएंगे, और अगर दाहिने मुड़ जाएंगे तो एम्स चले जाएंगे। तो यहाँ से एम्स की भी दूरी आपको मुश्किल से 8 किलोमीटर, इससे 10 किलोमीटर के आसपास, 10 किलोमीटर मान के चलिए, 10 किलोमीटर के आसपास में यहाँ से एम्स की दूरी होगी। बहुत ही प्राइम लोकेशन है। यहाँ से जो दीघा बेली रोड पथ है, जो नहर के किनारे वाला है, ये भी मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा, मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा। वहाँ पे आप रूपसपुर फ्लाईओवर के नीचे आप चले जाएंगे, वहाँ से आप बाएँ मुड़ जाएंगे, वहाँ से आप दीघा की तरफ मुड़ जाएंगे, वही दाहिने मुड़ेंगे तो एम्स की तरफ चले जाएंगे, खगौल एम्स होते हुए आप निकल जाएंगे। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, देखिए आसपास में अपार्टमेंट बना हुआ है, पावर हाउस है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है अपार्टमेंट बनाने के लिए, तो ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। और प्लॉट एरिया भी काफ़ी अच्छा है, 12 कट्ठे का प्लॉट है। लीड्स स्कूल है यहाँ पर, लीड्स एशियन स्कूल, अब जैसा फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये गेट है ऊपर उसका, देखिए ये लीड्स एशियन स्कूल है। जो भी व्यक्ति अगर अपार्टमेंट बनाने चाहते हैं, बिल्डर हैं, ठीक है, लैंड डेवलपर हैं, आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा डील भी हो जाएगा, एग्रीमेंटेड प्लॉट है। ठीक है,
इस प्लॉट से के बारे में अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे मेरे नंबर 9576019570 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ज़मीन देखना हो तो आके ज़मीन देख भी सकते हैं। लोकेशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लीड्स एसिन स्कूल के गेट के ठीक सामने के पहले ये आपको प्लॉट पड़ेगा, ठीक है। ये बाहर से बस क्योंकि गेट अभी लगा हुआ है तो अंदर तो जाके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने अंदर का लोकेशन आपको मैंने कोशिश की आपको दिखाने का, और आपको ये देख भी आपने ये देखा भी होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्लॉट आपको पसंद आएगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।